वेलकम बैक अगेन। ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए जो अपनी आईडी में 999+ स्टार करना चाहते हैं। क्या आपको पता है हमारी गेम में कुछ ऐसे भी ग्लिचेस है जिनका यूज करके आप लोग ग्रैंड मास्टर पुश कर सकते हो। भाई लोग, आप लोगों ने बीआर रैंक मोड में ग्लिच देखा होगा, सीएस में ग्लिच देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने लोन वुल्फ में ग्लिच देखा? लिटरली गाइस, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इस ग्लिच की हेल्प से आप लोग फ्री फायर की एक अलग सी दुनिया में ही पहुंच जाओगे, जिसकी हेल्प से आप लोग अपने टीममेट्स के साथ एनिमी को भी इजीली कंफ्यूज कर सकते हो, जिसके बाद आपके टीममेट्स भी आपको हैकर ही बोलने लग जाएंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, जब से फ्री फायर मैक्स आया तब से लो डिवाइस वाले प्लेयर्स को कितना ज्यादा लैग का प्रॉब्लम होता है। स्टार्टिंग में तो गेम बिल्कुल स्मूथली चलता है, लेकिन उसके बाद फोन हीट और लैग होने लग जाता है। इन सारे टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लेना। पिछली वीडियो का लाइक टारगेट आप लोगों ने कंप्लीट करा दिया था, एंड इस वीडियो का भी करा देना जो है 200 लाइक्स। भाई लोग, जितने भी ग्लिचेस मैं आपको बताने वाला हूं, ये 100-10% वर्किंग ग्लिचेस होंगे। फर्स्ट ग्लिच को करने के लिए आपको रिवर साइड के पास आ जाना है। बरमुडा के इस प्लेस को सही से देख लो, फिर बाद में बिल्कुल मत बोलना की भाई ये तो हमें पता ही नहीं कहां है। इस ग्लिच को करने के लिए आपको वॉल के सारे खड़े हो जाना और अपने फ्रेंड को बोलना है जीप को पीछे लाए। उसके बाद आपको क्राउच होकर कर्सर को आगे की तरफ ले जाना और यहाँ पे रह के आप लोग इजीली रैंक पुश भी कर सकते हो। इस ट्रिक को सोलो में करने के लिए आप लोग सेंटिनो कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे रह के आप लोग अच्छे खासे प्लस तो कर ही सकते हो। और मजे की बात तो ये, इस ग्लिच का यूज आप लोग सीएस रैंक मोड में भी कर सकते हो। अब आप में से बहुत से बंदे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सीएस रैंक मोड में व्हीकल तो होता है, इस ग्लिच को सीएस रैंक मोड में कैसे परफॉर्म करोगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिंपली आपको आगे की तरफ आ जाना। ये ग्लिच आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में याद से बताना। अगर आप इस ग्लिच के बारे में पहले से जानते थे तो कमेंट बॉक्स में यस लगा देना। बढ़ते हमारी सेकंड ग्लिच की तरफ जो है लोन वुल्फ। इस ग्लिच के बारे में मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बहुत से बंदे ऐसे भी थे जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बंदे कमेंट करके गए हाँ भाई ये ट्रिक बिल्कुल रियल है। लोन वुल्फ में इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सेंटिनो कैरेक्टर की हेल्प लेनी होगी और किसी भी राउंड में आप लोग सेंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी का यूज इस कॉर्नर पे कर देना। ग्लू बॉल को आप लोगों को सेंटिनो के डमी पे कुछ जिस तरीके से लगाना होगा, आधे सेंटिनो की डमी हमें ग्लू वॉल लगने के बाद भी दिखाई दे। उसके बाद आप लोगों को एबिलिटी वाला बटन प्रेस कर देना, कुछ ही सेकंड में आप लोग पहुंच जाओगे फ्री फायर की एक अलग सी दुनिया में। लेकिन इस ग्लिच का ये एक माइनस पॉइंट है, आप लोग इस ग्लिच से कभी बाहर ही नहीं आ सकते। और ऐसे ही आप लोग रिवर्स साइड पे सेंटिनो की हेल्प से उस ग्लिच को परफॉर्म इजिली तरीके से कर सकते हो। बस आप लोगों को सेंटिनो के डमी और ग्लू वॉल का सही यूज करना आना चाहिए, आप लोग इजिली हर जगह इस ग्लिच को परफॉर्म कर सकते हो। और एंड में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप देने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप लोग शॉक हो जाने वाले हो, और अगर आपने उसे मिस कर दिया तो ये सारे ग्लिच बेकार है। नंबर थर्ड, लिटरली गाइस, मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप लोग इजीली सीएस में अच्छे खासे प्लस कर सकते हो। देखो भाई लोग, अगर आपके पास परमानेंट स्क्वाड है और चारों बंदे एक ही साथ पुश करते हो तो ट्राई ये क्या करो, आपका ड्रेस कोऑर्डिनेशन सेम ही रहना चाहिए, इससे सामने वाले एनिमी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने डैमेज किसे दिया था और न्यू बंदा है कौन सा। जैसे कि कोई एनिमी आपको डैमेज देता है और उसके बाद एनिमी करेंगे ब्लाइंड रश और आपकी पोजीशन पे दूसरा बंदा होगा बिल्कुल सेम ड्रेस, लेकिन एनिमी को तो यही लगेगा कि मैंने तो इसे डैमेज दिया, ये बंदा एक ही गोली, और इसी चीज का फायदा उठा के आपका फ्रेंड एनिमी को इजीली नॉक कर देगा। ये तो रहे कुछ फैक्ट्स, लेकिन कैरेक्टर स्किल भी मैटर करती है सीएस रैंक मोड में। तो देखो भाई लोग, तुम्हारी स्क्वाड में कम से कम एक प्लेयर्स के पास तो क्लू कैरेक्टर होना ही चाहिए, और स्क्वाड में से दो प्लेयर्स कर लेंगे होमर का यूज, और जो लास्ट वाला स्क्वाड मेंबर है उसके पास होना चाहिए सेंटिनो। इसी में आप लोग अपने हिसाब से कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, और अगर आप मेरी मानो तो आपको क्लू कैरेक्टर के साथ इन एबिलिटीज का यूज करना है। फर्स्ट स्लॉट में ऐड कर लेना आपको लियोन कैरेक्टर को, जो डैमेज को सर्वाइव करते ही इंस्टेंट आपको 60 HP प्रोवाइड कराएगा। सेकंड स्लॉट में ऐड कर लेना आपको मोको कैरेक्टर को, किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे तो उसकी लोकेशन मैप में 6 सेकंड तक दिखाई देगी। थर्ड स्लॉट में ऐड कर लेना आपको जोसेफ कैरेक्टर को, डैमेज पड़ते ही आपकी मूवमेंट स्पीड डबल कैली से भी ज्यादा कर देगा, और इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके आप लोग अपनी आईडी में अच्छे खासे स्टार कर सकते हो। और आप लोग मुझे कमेंट करके याद से बताना आप लोग सीएस के कौन से रैंक पे हो। नंबर 4, जब से फ्री फायर मैक्स इंडिया में है तब से लो डिवाइस वाले प्लेयर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे कि फोन लैग, हीट, पिंग इशू। सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस आप लोग कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो देखो भाई लोग, सबसे पहले आप लोगों को गरीना को इंटरनेट इशू वाली रिपोर्ट सेंड करनी है। अगर आपका गेम में पिंग हाई रहता है, इससे 100% तो नहीं लेकिन 95% गारंटी लेता हूं, इससे पिंग इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता है। जिसके बाद मेरा भी पिंग इशू नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली खुद भी ट्राई किया है। और अगर आपका फोन हीट होने के बाद लैग होने लग जाता है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पे आ जाना है। यहाँ पे आप लोग फोन में जितने भी एप्स का यूज करते हो उसे फुल्ली अपडेट करके रखना है। आपको ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करना है फोन के इंटरनल स्टोरेज को बहुत कम ही भरना है। जितना ज्यादा फोन में स्पेस होगा उतना ही आपका गेम बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। बहुत से बंदे अपने फोन के हिसाब से फ्री फायर की ग्राफिक्स को भी सही नहीं करते। अगर आपका फोन स्मूथ सपोर्ट करता है तो आपको अल्ट्रा में खेलने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों को तो पता होगा अभी के टाइम में डीपीआई का कुछ अलग ही ट्रेंड है। तो देखो भाई लोग, अगर आप अपने फोन के हिसाब से ज्यादा डीपीआई बढ़ा लोगे आपका फोन कुछ टाइम तक तो झेल लेगा, लेकिन बाद में आपका फोन हैंग और हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 100-10% आपका फोन बहुत जल्दी हैंग और हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपको नॉर्मली डीपीआई पे अपना गेम प्ले करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कुछ दिनों से मेरा सब्सक्राइबर मेरे से यही पूछा है कि भाई लो रैंक मैच मैचिंग कैसे करें। एक वीडियो में कमेंट करा समझ में आता है, लेकिन वो बंदा हर वीडियो में कमेंट कर रहा है लो रैंक मैच मैचिंग करने के लिए आप लोग
को एक ऐसे प्लेयर की हेल्प लेनी होगी जो बंदा महीनों से ऑफलाइन है। या फिर अगर उस बंदे ने गेम को क्विट कर दिया तो आप लोग उसका आईडी पासवर्ड भी ले सकते हो और आप लोगों को उसी बंदे की आईडी से ग्रुप बनाना है, लेकिन उस बंदे का लेवल 30 से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो ये ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और आप लोगों को बीआर का डुओ लगा के इजीली रैंक पुश कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत ही ज्यादा ट्राई किया है। क्योंकि अगर आप सीएस रैंक मोड में ऐसा करोगे तो ये ट्रिक बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। अगर कोई बंदा रेगुलर ही खेल रहा है, अगर आप उसके साथ रैंक पुश करोगे तो ये ट्रिक बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। एंड देन बोनस टिप ये है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दो ग्लिचेस बताया, अगर आपका रैंक हेरोइक से ज्यादा है तो उस ग्लिच को आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप उस ग्लिच को बार बार करोगे तो गरीना आपको गेम से बार बार किक कर देगा, क्योंकि ऐसा ही मेरे टीममेट्स के साथ हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, याद से लाइक टारगेट भी कंप्लीट करा देना।